गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट. टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर 7. इफ यू बिलीव यू कैन यू विल, मींस अगर आपको विश्वास है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको विश्वास है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना है, और आपको लगता है कि जो स्टडी है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप अपने में विश्वास रखेंगे कि हम पढ़कर मेहनत करके ये बन सकते हैं, तो एक दिन आप ज़रूर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं. सो हियर वी विल read a story of a doctor APJ Abul Kalam, कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से हर चीज़ को अचीव किया. लेट्स स्टार्ट. डॉक्टर APJ Abul Kalam, द 11th प्रेसिडेंट of India. So, जो डॉक्टर APJ Abul Kalam थे वो भारत के 11th प्रेसिडेंट थे. यू कैन सी पिक्चर ऑफ APJ Abul Kalam, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वॉज बॉर्न ऑन 15th अक्टूबर 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. और इनका जो जन्म है, कब बॉर्न हुए थे ये, 15 अक्टूबर को 1931 में एक छोटा सा विलेज था, गांव था, वो कहाँ था, रामेश्वरम इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में कि जो रामेश्वरम है वहाँ पर छोटा सा गांव था, वहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था. His father was a poor boatman with 7 children. और इनके जो फादर थे एक poor boatman, यानी कि बोट चलाने वाले, ठीक है, वो थे. और उनके कितने भाई बहन थे, 7. कितने children थे, 7 भाई बहन थे. He had a great desire to give education to his children in order to have a better future. और इनके जो फादर थे उनकी क्या डिज़ायर थी, क्या इच्छा थी, डिज़ायर मीन्स इच्छा, कि जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दे सके, मतलब उनको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा पढ़ सके, ताकि वो अच्छे से फ्यूचर में रह सके, यानी भविष्य में वो अच्छे से जीवन जी सके. उनकी फादर की इच्छा थी कि जो मेरे बच्चे हैं सारे पढ़ें, ताकि वो फ्यूचर में जो है जो डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहे हैं वो ना करें, अच्छे से जीवन जी सके. एज अ स्कूल स्टूडेंट डॉक्टर Kalam सोल्ड न्यूज़पेपर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन. सो जब डॉक्टर Kalam स्कूल में स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, ताकि जो उनकी एजुकेशन कंटिन्यू, मतलब उनकी जो पढ़ाई है बीच में बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, जो कि जिससे उन्हें पैसे मिलते थे, फीस देते थे, और उससे वो स्टडी करते थे. ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन many awards like Padam Bhushan, Padam Vibhushan, Bharat Ratan and many other. So, तो बाद में क्या हुआ, क्या बन गए, वो बहुत महान साइंटिस्ट बने. कितनी मेहनत की देखो उन्होंने, बहुत पुअर फैमिली से थे, फिर भी उन्हें पढ़ने का बहुत था कि मैं पढ़ के रहूँगा, पढ़ाई बीच में छूट ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर बेचा, और उसको करते करते वो
बाद में क्या बन गए, पढ़ते भी थे और काम भी करते रहे, और एक दिन क्या वो ग्रेट साइंटिस्ट बने और उनको बहुत से अवार्ड भी मिले। वो अवार्ड कौन कौन से थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, और बहुत सारे और भी अवार्ड्स इनको मिले। हिज जर्नी ऑफ एक्सीलेंस डिड नॉट स्टॉप डियर। तो जो उनकी जर्नी थी, जो उनकी यात्रा थी, जो एक्सीलेंस मीन्स बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत अच्छी यात्रा थी, वहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। ही वॉज इलेक्टेड टू द हाइएस्ट पोस्ट, दैट इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद इतने अच्छे उन्होंने काम किए इंडिया के लिए, साइंटिस्ट बने, तो इतने सारे अवार्ड मिले, भारत रत्न तक बन गया। उसके बाद इन्हें क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है बेटा प्रेसिडेंट की इंडिया में, तो बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो आप देख सकते कैसे APJ अब्दुल कलाम ने मेहनत से, और उन्हें विश्वास था कि वो कुछ करके दिखाएंगे, तो उन्होंने कैसे जो है इस जो जर्नी है, जो उनकी एक्सीलेंस जर्नी है, उसे अचीव किया, और एक दिन क्या हुआ, वो भारत के प्रेसिडेंट बन गए। डॉक्टर कलाम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर APJ कलाम हैं, वो सबके लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल वो होता है जिसको हम देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमें भी उनके जैसा बनना है, कि जैसे इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है तो हम भी क्या है इतना कुछ अचीव कर सकते हैं इतना मेहनत करके। तो उसे रोल मॉडल बोलते हैं, जिसको आप बहुत एडमायर करते हो कि हमें भी एक दिन इनकी तरह साइंटिस्ट बनना है, कितने सारे प्राइजेस लेने हैं। लाइक हिम वी कैन ऑल्सो फुलफिल आर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। कह रहे हैं कि इनकी तरह हम लोग भी, जितने हैं जिनकी कुछ ड्रीम्स हैं कुछ बनने के, एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी आपका पायलट बनने का कोई ड्रीम है, तो अगर आप ही हार्ड वर्क करेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम के लिए, ईमानदार रहोगे, ठीक है, तो आप भी उन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, बट वी रेड इन दिस मॉड्यूल, वी हैव रेड दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, and he was born on 15th October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu, and his father was a poor boat man with the 7 children. He had a great desire to give education to his children in order to have a better future. As a school student, Dr. Kalam sold newspaper to continue his study, and he became a great scientist and won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratan and many other. His journey of excellence did not stop here. He was elected to the highest post, that is the President of India. Dr. Kalam is a role model for all of us. Like him, we can also fulfill our dream with hard work and honesty. So, here we have read about the Dr. APJ Abdul Kalam. और बेटा जो इतनी भी ये awards है, उनमें सबसे बड़ा जो award होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और बहुत से जितने भी award मिलते हैं, पर सबसे बड़ा जो award है भारत का जो दिया जाता है, उसे क्या कौन सा अवार्ड है बेटा, वो भारत रत्न, ठीक है। तो वही जो भारत रत्न है इन्हें मिला हुआ है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, हाउ वी कैन एंड वी विल अचीव आवर गोल्स। दैट्स ऑल फॉर द डे. Thank you and have a nice day.